ट्यूबरकुलोसिस, जिसे आमतौर पर टीबी के रूप में जाना जाता है, यह एक संक्रामक इन्फेक्शन है जो कि आमतौर पर फेफड़ों पर हमला करता है। यह शरीर के अन्य हिस्सों में भी फैल सकता है, जैसे कि मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी आदि। आज ज्यादातर टीबी के मामले एंटीबायोटिक दवाओं के साथ ठीक हो जाते हैं, लेकिन इसमें लंबा समय लगता है, कम से कम 6 से 9 महीने। टीबी दुनिया भर में मृत्यु के शीर्ष 10 कारणों में से एक है। लगभग 25% दुनिया की आबादी निष्क्रिय टीबी से त्रस्त है। चलिए जानते हैं कि टीबी कैसे फैलता है। हवा के माध्यम से, जैसे सर्दी या फ्लू की तरह। जब आप किसी रोगी के संपर्क में आते हैं जो आपसे बात कर रहा हो, खांस रहा हो या छींक रहा हो, तो उसके मुंह से छोटी छोटी बूंदें निकलती हैं, जिनमें कीटाणु होते हैं। यदि आप इस वक्त सांस लेते हैं तो आप भी संक्रमित हो जाते हैं। आपको यह बीमारी हाथ में लाने या किसी ऐसे व्यक्ति के साथ भोजन साझा करने से नहीं हो सकती। अब जानते हैं सक्रिय टीबी के लक्षण। छाती में दर्द, हर समय थकान महसूस होना, रात को पसीना, बुखार, भूख में कमी, वजन घटना। अगर आपको ऐसे कोई भी लक्षण नजर आते हैं तो तुरंत ही अपने डॉक्टर से परामर्श लें। डॉक्टर लाल पैथलैब में किए जाने वाला टेस्ट।